अरुणाचल प्रदेश के त्वांग में भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को फिर दिया मुंहतोड़ जवाब। 9 दिसंबर को ही झड़प में चीन के कई सैनिक हुए घायल, सेना ने कई चीनी सैनिकों को खदेड़ा। त्वांग झड़प मामले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर बड़ी बैठक, एनएसए और सेना प्रमुख मौजूद। श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, जारी करेंगे सिक्का और डाक टिकट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पीएम के खिलाफ विवादास्पद बयान देने पर हुई कार्रवाई, कल दर्ज हुआ था मामला। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने आईईडी को किया ब्लास्ट, सुरक्षा बलों के निशाने बनाने की थी साजिश। नोरा फतेही ने जैकलीन फर्नांडिस पर ठोका 200 करोड़ का मुकदमा, ठगी केस में जबरन वसूली का लगाया आरोप। पंजाब के जलंधर डबल मर्डर केस में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 3 आरोपी शूटर्स किए गए गिरफ्तार। महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत, 11 महीने के निचले स्तर पर आई महंगाई, खाने पीने की चीजें हुई सस्ती। और न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल, काफी पीछे छूटा आज तक, दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। आज तक को पछाड़, न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल, देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।